हाँ जी दोस्तों, मैकेनिकल लॉजिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज आप आए हैं भोटिया प्रेस के पास। तो दोस्तों ये प्रेसें बनाते हैं आप, जैसे ये बन रही है 50 टन की और 10 टन की और 5 टन की। आपको जैसी भी प्रेस चाहिए आप वैसी प्रेस इनसे बनवा सकते हैं। इनके पास पूरा सेटअप है यहाँ पे, और बढ़िया टेक्नोलॉजी से और बढ़िया वेल्डिंग करके ये प्रेस तैयार करते हैं। सारा मटेरियल भी बढ़िया लगा रहे हैं सारा। और हाँ जी सर, मेरा ये नाम जी परजीत सिंह है। हाँ जी परजीत अपा सिंह कॉर्पोरेशन के नाम से हम पावर प्रेस बनाते हैं। हम 5 टन से लेकर 150 टन तक की प्रेस बनाते हैं। जैसे भी ऑर्डर आता है उसी हिसाब से प्रेस बनाते हैं। ये सर जो प्रेस है ये कितने टन ये की है? 5 टन की है जी। अच्छा, इसमें क्या क्या मतलब ज़्यादा देखने के लायक होता है? जैसे पता हो कि मतलब जैसे मटेरियल आपका कौन सा लगाया है, MSC लगा होगा ना? ये सारी स्टील बॉडी होती है जी। हम स्टील बॉडी है। ये सारी स्टील बॉडी पर प्रेस है। पहले कास्टिंग वाली चलती होती थी, वो फट जाती थी, लेकिन अब ये स्टील बॉडी बनती है, इसमें फटने की गुंजाइश नहीं होती। और ये वाली प्रेस कौन सी है सर? 5 टन दे सर, ये 5 टन की प्रेस है। अच्छा, ये भी 5 टन की प्रेस है। ठीक, और ये वाली आप बना रहे हो जो? ये हड्डी 50 टन दी है जी। अच्छा, ये वाली 50 टन की प्रेस है। तो सारी मशीनिंग वगैरह आप खुद ही अंदर ही करते हैं, बोर वगैरह बाहर से जैसे रंधे पर? ठीक, कास्टिंग वगैरह और बोरिंग के लिए मशीन बाहर से आती है, खाली मशीनिंग के लिए। वो तो जॉब बड़ी चाहिए होती है ना। और सारे ये अपने बोश हैं ये कौन से डालते हैं आप? ये गन मेटल के बुश डालते हैं जी सारे। अच्छा, यहाँ पे भी डालने होंगे, यहाँ बैरिंग भी जो लगेगा? फ्लाई व्हील वाला साइड होता है, फ्लाई व्हील इधर ही बनना, उधर ही साइड पर उसके साथ बैरिंग भी दे देते हैं ताकि व्हील पे लोड नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों तरफ मतलब उस साइड भी बैरिंग लगेगा इसके? ये तो क्लच वाली मशीन है ना, इसके दोनों साइड लगाना है। अच्छा, ये न्यूमेटिक प्रेस है? हाँ जी, ये न्यूमेटिक वाली। ओके ओके। और ये दोस्तों इस मशीन का क्लच है 50 टन की प्रेस का। और दोस्तों ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये जो वीडियो बनाई गई है ये सिर्फ हम लोग इनसे प्रेसें लेते हैं, तो इनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है इनका। तो इसके बड़े ब्रदर हैं, उनका तो बहुत ही अच्छा स्वभाव है। और हमने जितनी भी मशीनें इनसे ली है तो हमारे पास जो मशीनें हैं वो बिल्कुल ही बढ़िया चल रही हैं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई उनमें। तो ये तकरीबन बढ़िया मटेरियल लगा के प्रेसें बनाते हैं और कम रेट में प्रेसें बनाते हैं। मेरे को लगता है कि आपको लुधियाना के अंदर ही इनसे कम रेट में कोई प्रेस शायद ही कोई दे पाए। और इतना बढ़िया वेल्डिंग मैंने अच्छी तरह से चेक किया, और गन मेटल भी बढ़िया ब्राउन वाला लगाते हैं। बाकी आप जैसी भी प्रेसें बनवाना चाहते हो, अगर सस्ती और हल्की और काम के हिसाब से, तो उस तरह की प्रेस आप बना सकते हो, बनवा सकते हो। तो सभी तरह की ये प्रेसें बनाते हैं, जिस तरह का पार्ट होगा उस तरह की इनके पास सभी प्रेसों के लिए बनाने के लिए पूरी मशीनरी है इनके पास। जैसे इन्होंने बताया कि सिर्फ रंधे के लिए या बोरिंग के लिए मशीन बाहर जाती है, बाकी सारा जो भी है सेटअप सारा अंदर ही है इनके पास। बड़ी खरादे हैं और शेपर है, ये देखिए संतरी है इसकी, और क्रेटी रॉड जिसको बोलते हैं, इसके अंदर ये गन मेटल का बोश और ये अंदर वाला कास्टिंग का बुश, और ये जिससे हम चाल सेट करते हैं ये वाला बुश तैयार हो चुका है इसका। और ये शावट है, तो शावट भी बहुत बढ़िया और सफाई है इस शावट के अंदर। और ये वाला इसका दोस्तों बील बन रहा है 50 टन की प्रेस का। और दोस्तों खराद भी काफ़ी बड़ी है इनके पास, जितनी मर्जी बड़ी शावट आ जाए तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं इनको। तो वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। इस तरह की जेन्युइन वीडियो मैं आपके पास लाता रहता हूँ, लाता ही रहूँगा। और ये देखिए इनके पास शेपर भी है और इनके पास हेक्सा भी है, जिस हिसाब से इनको मटेरियल की कटिंग करनी पड़े। और एक बात और है दोस्तों, ये प्रेसें रिपेयर भी करते हैं। अगर आपके पास कोई प्रेस ख़राब हो गई है तो आप रिपेयर कराना चाहते हो तो इनके पास आप ला के रिपेयर करा सकते हो। अब इनके पास ये 100 टन की प्रेस है जो रिपेयर होने के लिए आई है, तो आपको रिपेयरिंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इनसे।
आप एक बार ज़रूर इनके पास विजिट करें, और नंबर दिए मैंने, नंबर पे आप फ़ोन ज़रूर कर लें। परमजीत सिंह जी, अभी बताइए आप कौन कौन सी प्रेसें बनाते हैं? पावर प्रेस मशीन बनाते हैं, पिलर टाइप और सी टाइप में, दोनों में बनती है, और न्यूमेटिक क्लच वाली मशीन बनाते हैं। ठीक है। 5 टन से लेकर 150 टन तक की पावर प्रेस बनाते हैं हम, जैसे भी ऑर्डर होता है उसी के हिसाब से बनवाते हैं, और जैसे कोई बंदा अपना सैंपल लेके आ जाता है उसी के अकॉर्डिंग हम मशीन हैवी और लाइट में उसको दे देते हैं। जैसे किसी बंदे का पार्ट्स बड़ा होता है लेकिन उसको मशीन छोटी चाहिए होती है, बड़े साइज में हम छोटी मशीन में उसका काम जॉब करके दे देते हैं, ऐसे उसके पैसे भी बच जाते हैं और मशीन सस्ती लग जाती है। ये स्टील बॉडी में बनती है सारी, आजकल हम लोग सारे उसे गन मेटल के डालते हैं। ठीक है जी। और हमको जब कोई भी ऑर्डर मिलता है हम एक महीने के अंदर अंदर में मशीन रेडी करके बंदे को टाइम से डिलीवरी दे देते हैं। ओके।